हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V27 Pro Android मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस तो आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक ईजी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको है ना साइड में जो पावर बटन होता है इसे आपको दबा के रखना है, ठीक है। साइड में पावर बटन को दबा के रखेंगे तो स्क्रीन के सामने एक छोटा पेज आएगा, इसमें आपको ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसे आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। रीस्टार्ट करने से क्या होता है दोस्तों कि आपके मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी कमियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, या मोबाइल फ़ोन स्लो वर्क करता है, या फिर आपके नेटवर्क सिस्टम में कोई दिक्कत होती है, वो सभी दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका दूसरा होता है दोस्तों कि आपको जो करना क्या है कि मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिलता है आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको है ना ये ऑप्शन मिल जाता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ना नीचे आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, जो भी आपने सिम लगा रखी है, ठीक है। आपको सिम सेलेक्ट करनी है जिस सिम से आपका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, उस सिम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा, इसमें आपको मिलेगा 2G 3G 4G 5G, जो भी आपको अगर 5G का मोबाइल फ़ोन है, 5G की सिम है, तो आपका फ़ोन में 5G भी यहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको अपने सबसे 4G या 5G वाले ऑप्शन पर आपको टिक मार्क लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टिक मार्क लगा लेंगे तो इससे भी आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों आपको करना क्या, बैक पेज पे आपको वापस आना है। तो आपको नीचे आना है, यहां पर देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है ये एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको जो है ना ये सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, 3 डॉट पे सिलेक्ट करना है। तो आपका है ना एक छोटा पेज ओपन होगा, इसमें आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रीसेट टू डिफॉल्ट, रीसेट टू डिफॉल्ट पे सिलेक्ट कर देना है। तो आपका यहां पर जो है ना नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग, ठीक है। तो यहां पर जो है ना आपको एपीएन सेटिंग आप रीसेट कर देंगे तो इससे भी आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक प्रोसेस और बता देता हूँ जिससे आपकी मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क सेटिंग को जो है ना रीसेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। देखिए वो दोस्तों आपके वो आपके सिम में आपने APN सेटिंग रीसेट करी थी, अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, सिस्टम पर सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये आपका पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये तीन ऑप्शन मिलते हैं वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है ना अपने फोन पे, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें आपको देखिए ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। तो आपको करना क्या, नीचे ये जो ऑप्शन दे रखा है रीसेट सेटिंग का, इसे आपको टैप करना है। कुछ ही सेकंड्स में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं इसे टैप करता हूं तो यहां पर एक ये पॉपअप आ चुका है नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है आप रीसेट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है और नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका ये वाला हो गया। और एक तरीका मैं आपको और भी बता देता हूँ दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करिए, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सेटिंग पेज में ना सबसे नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सिस्टम पे सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको उसी ऑप्शन में जाना है रीसेट ऑप्शन में, ठीक है। रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, ठीक है। इस पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा का। इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करने से पहले आपको आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। दूसरे मोबाइल फोन में या दूसरे मेमोरी कार्ड में या फिर जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ट्रांसफर कर लीजिए आप अपने मोबाइल फोन का डेटा, जिसमें आपकी फोटो वीडियोस डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपकी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि आप दोस्तों एक बार जो है इसे इरेज ऑल डेटा पे सेलेक्ट करेंगे ना तो आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आपका डिलीट हो जाएगा, यहां तक कि आपकी जीमेल आईडी भी लॉग आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारा जो है ना रीसेट करने से हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है।
और अगर दोस्तों यहाँ पर जो है ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है कि आपके सिम की जो जो कस्टमर केयर होता है ना, सिम जो आपकी जिस कंपनी का सिम है उसके सर्विस प्रोवाइडर से या कस्टमर केयर से आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। वही आपको जो है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाएंगे फिर, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, इन प्रोसेस के जरिए आप अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली इन प्रोसेस के जरिए सॉल्व हो जाती है हमारे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है।